आज जो दो स्कीम्स अप्रूव की है उसमें एक तो है सोलर पीवी मॉड्यूल्स, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स। इसमें लगभग 10,000 मेगावाट की एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, सालाना एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत में क्रिएट होगी। 4,500 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव डिसबर्स किया जाएगा और बड़े डिफाइंड, वेल डिफाइंड क्राइटेरिया के हिसाब से इन सब कंपनीज को चूज किया जाएगा। हमारा अनुमान है कि इन 10,000 मेगावाट जो पीएलआई स्कीम से प्रोत्साहित होंगे, इससे जो एक ओवरऑल स्केल बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग का, उससे और कई कंपनीज भी भारत में आने में प्रोत्साहित होंगी, कंपोनेंट्स भारत में बनना शुरू होंगे और लगभग इस देश में आगे चल के हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे हमारे सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, और हमें विदेशों के ऊपर निर्भर आगे नहीं होना पड़ेगा। 30,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और 1,20,000 लोगों को इस स्कीम से इनडायरेक्ट काम करने के, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो पीछे हमने एक कदम उठाया था कि जो कंप्रेस्ड एयर डाले हुए एयर कंडीशनर्स आते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स के कारण, उसको भारत में लाने देना बंद कर दिया, जिससे इतना जरूर हुआ कि अब एयर कंडीशनर्स इंपोर्ट होने बंद हो गए, परंतु कंपोनेंट्स अभी भी इंपोर्ट होते थे और भारत में असेंबल होके बिकते थे। तो हाल का निर्णय के कंप्रेस्ड एयर के साथ एयर कंडीशनर नहीं आएगा, ये एक कड़ी थी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिससे 25% के करीब वैल्यू एडिशन भारत में आना शुरू हो गया। और दूसरी कड़ी आज मंजूरी दी गई है, जिसके तहत जो कंपोनेंट्स लगते हैं एयर कंडीशनर असेंबल करने में, उन कंपोनेंट्स को भी अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा, जिससे विश्व स्तरीय स्केल और अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स भारत में बने, और जो आज 25% वैल्यू एडिशन होती है एसी बनाने में, वो बढ़ के 75% तक जा सके। इसी प्रकार से आप सभी भली भांति जानते हैं कि आज विश्व का लीडर एलईडी लाइटिंग में भारत है। पूरा विश्व भारत की तारीफ करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उजाला योजना देश के समक्ष रखी थी, उससे एलईडी के लाइट्स की कीमतें भी मात्र 15% रह गई। लगभग हमारा 85-90% जो रिक्वायरमेंट है भारत में बनता है, लेकिन उसमें भी वैल्यू एडिशन 40-45% होता है। काफी कंपोनेंट्स उसमें भी अभी भी विदेश से आते हैं। उसके कंपोनेंट्स जो लगते हैं और जिसमें हम आत्मनिर्भर नहीं है, उसको भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने का निर्णय आज किया गया है। तो एयर कंडीशन और एलईडी बल्ब दोनों को कंपोनेंट लेवल तक जाके प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाए, भारत में वो बने, वैल्यू एडिशन ज्यादा हो, और इसमें लगभग 6,238 करोड़ रुपए, 6,238 करोड़ रुपीज इन कंपोनेंट्स एसी और एलईडी के कंपोनेंट्स के लिए पीएलआई स्कीम के माध्यम से 5 वर्षों में डिसबर्स किया जाएगा। इसमें भी 4-6% के करीब इंसेंटिव दिया जाएगा, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज इसके माध्यम से आएंगी, और कंपोनेंट्स तो अधिकांश एमएसएमई सेक्टर में ही बनते हैं, तो इससे एमएसएमई को बहुत बड़ा बल मिलेगा, और अंदाजा है कि इससे एक बड़े रूप में लोगों को काम, नौकरी का भी अवसर मिलेगा, और आगे चल के भारत पूरी तरीके से एक विश्व स्तरीय मैन्युफैक्चरर ऑफ एसीज एंड एलईडीज बन के पूरे विश्व में भारत के बनाए हुए एयर कंडीशनर जाएंगे, भारत के बनाए हुए एलईडी बल्ब्स पूरे विश्व में बिकेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा।